हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 15 फीट बाय 30 फीट साइज के बिल्डिंग के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया डिजाइन के एलिवेशन मैंने आपके लिए बनाए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। वीडियो के अंदर मैंने 2D लेआउट मेजरमेंट का फाइल फ्री में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूरी बिल्डिंग का 3D प्लान देखते हैं। दोस्तों, जैसे हम इस मेन गेट से एंट्री करेंगे, हमें 3 फीट चौड़ा पैसेज मिलेगा। यहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, मिनी गार्डन के लिए डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस मेन डोर से हम बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे। तो सामने हमने जीने का डिजाइन किया है। इस जीने के नीचे से हम अंदर आएंगे तो सामने और एक डोर मिलेगा। तो चलिए इस डोर से अंदर चलते हैं। इस डोर से जैसे हम अंदर आएंगे, हम हॉल में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हॉल का साइज 8 फीट बाय 9 फीट रखा गया है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर OTS में विंडो प्रोवाइड की गई है। जस्ट हॉल के सामने वाले डोर से हम कॉमन वॉशरूम के अंदर एंट्री करेंगे। तो इस वॉशरूम का साइज 4 फीट 8 इंच बाय 5 फीट रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमें इस डोर के अंदर किचन मिलेगा। इस किचन का साइज 4 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 8 इंच रखा गया है और किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर लास्ट में OTS में बड़ी साइज की विंडो प्रोवाइड की गई है। तो चलिए बेडरूम्स का साइज समझ लेते हैं। हमें इस ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स मिलेंगे। एक बेडरूम यहाँ पर फ्रंट में दिया हुआ है और एक बेडरूम यहाँ पर बैक साइड में दिया है। फ्रंट के बेडरूम के लिए बड़ी साइज की विंडो दी गई है और फ्रंट के बेडरूम का साइज 8 फीट बाय 10 फीट रखा गया है और लास्ट वाले बेडरूम का साइज 9 फीट बाय 10 फीट रखा गया है। लास्ट वाला बेडरूम 1 फीट से ज़्यादा चौड़ा है और लास्ट वाले बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर लास्ट वाले OTS में विंडो दी गई है। तो दोस्तों, देख लीजिए ग्राउंड फ्लोर का पूरा डिज़ाइन। आप इस तरह से वॉल पेंट्स भी करवा सकते हो। देख लीजिए पूरा एलिवेशन। तो चलिए अब हम फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन समझते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हम इस सामने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सीढ़ियों का साइज 5 फीट 10 इंच बाय 10 फीट रखा गया है। हर एक सीढ़ी की चौड़ाई लगभग 3 फीट रखी गई है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन समझ लेते हैं। जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, हम यहाँ पर इस डोर के सामने पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, ग्राउंड फ्लोर पर हर एक रूम्स का साइज जो था, सेम टू सेम साइज के रूम्स यहाँ पर भी प्रोवाइड किए हैं और ग्राउंड फ्लोर में हर एक रूम्स को जो भी विंडोज दी गई थी, फर्स्ट फ्लोर पर भी सेम टू सेम सुविधा दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, सामने भी बड़ी साइज की विंडो दी गई है। सभी रूम्स के लिए वेंटिलेशन का डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कंप्लीट प्लान हो गया है। तो आपको यह प्लान कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन से प्लान के साथ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।